सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। यूपी में हुए वजीफा घोटाले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। उन्नाव में पिछले 3 दिनों में 10 एफआईआर दर्ज की गई है और 22 अधिकारियों को नामजद किया गया है। जिले के 10 ब्लॉकों के करीब 243 प्रिंसिपल भी आरोपों के घेरे में हैं। क्या है उन्नाव से जुड़ा ये मामला, देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में एक और घोटाला हुआ उजागर। गरीब छात्रों के वजीफे पर अधिकारियों और प्रिंसिपल ने डाला डाका। न स्कूल न छात्र, करोड़ों का वजीफा डकार गए अधिकारी। उन्नाव में अधिकारियों और 243 स्कूलों के प्रिंसिपल की काली करतूत ने पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के सपने पर सवालिया निशान लगा दिया है। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के वजीफे की रकम अधिकारियों ने डकार ली और इस खेल में 243 से ज्यादा स्कूलों के प्रधानाध्यापक भी शामिल रहे। वजीफा घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने वहां के तत्कालीन जिला समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी समेत कुल 22 लोग नामजद किए हैं। इनके खिलाफ सरकारी खजाने में लूट, आपराधिक साजिश और साक्ष्य मिटाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। ये इसमें जो मोडस ऑपरेंडाई है वो मेनली दो पैटर्न्स पर है। एक तो ऐसे विद्यालय जो ऑन पेपर थे पर वास्तव में वो अस्तित्वहीन है, वो ऑन द स्पॉट नज़र है ही नहीं, और दूसरा बहुत से ऐसे विद्यालय जो हैं पर उसमें फर्जी छात्रों का रोल बनाकर उन्हें दिखाते हुए उनके नाम पर पैसा लिया गया है। मेरठ में 100 से प्लस ऐसे विद्यालय पाए गए हैं जिसमें घोटाला हुआ है और उसमें करीब 65 FIR ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये जांच उपरांत है, पहले ईओडब्ल्यू ने इसमें जांच किया है, फिर शासन की मंजूरी के उपरांत शासन के निर्देश पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। ईओडब्ल्यू के मुताबिक उन्नाव के 18 ब्लॉकों में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच साल 2015 में ईओडब्ल्यू को दी गई थी। इसमें बांगरमऊ ब्लॉक की जांच पूरी होने के बाद घोटाले में दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए गए। इसके अलावा 9 मामलों की जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेजी गई है और 8 मामलों की जांच अभी चल रही है। 10 एफआईआर में नामजद हुए आरोपियों में जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ग्राम प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, विद्यालय के प्रिंसिपल, फर्जी बैंक खाता खुलवाने वाले शिक्षक और विद्यालय संचालक समिति के पदाधिकारी समेत 22 लोग नामजद किए गए हैं। जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उनमें तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी उन्नाव सरोज प्रसाद, हरिराज राम, वीके सिंह, एनएन द्विवेदी, एमपी सिंह, सिंह प्रताप देव, एमएल कन्नौजिया, एसजे फारूकी, यादवेंद्र सिंह, उषा रानी जायसवाल और राकेश श्रमन, तत्कालीन पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी वीसी श्रीवास्तव व यादवेंद्र सिंह, तत्कालीन पटल सहायक शैलेंद्र श्रीवास्तव, देवी दयाल यादव, लाल सिंह, अनिल कुमार, शिशुपाल सिंह, संजय बनोधा, संतोष कुमार, चंद्रभूषण मिश्रा, सुखेंद्र सिंह और रमेश चंद्र मिश्रा के नाम शामिल हैं। ईओडब्ल्यू की जांच में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि तत्कालीन अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर 8,56,580 रुपए का गबन किया है। उन्नाव के जिन ब्लॉकों के स्कूलों में घोटाला हुआ है उनमें फतेहपुर 84 के 40, सफेपुर के 20, असोहा के 16, हिलौली के 39, पूर्वा के 23, बिचिया के 20, बीघापुर के 22, सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक के 26, सिकंदरपुर सरौसी ब्लॉक के 31 और गंज मुरादाबाद ब्लॉक के 9 स्कूलों में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। अभी तो ये शुरुआत भर है, जांच के दायरे में कई और लोगों के नाम भी उजागर हो सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए उन्नाव से आशीष गौर और लखनऊ से संतोष कुमार शर्मा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।